भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहगंजी पंचायत के गरीब नवाज कॉलोनी से नए निवासी पूर्व सैनिक मजहरुल हक घर से रात में चोरों ने 10 लाख से अधिक सोने के जेवर एवं कैश रुपए ले उड़े। वहीं पूर्व सैनिक ने बताया कि पुत्री की शादी के लिए सोने के जेवर बनाकर रखा था। वहीं सैनिक ने बताया कि नवगछिया के खरीक क्षेत्र के अकीदतपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव लड़े हैं। मतगणना का इंतजार पैतृक गाँव में रह रहे थे। वहीं हमारे पुत्र गरीब नवाज कॉलोनी आए तो देखा घर के दरवाजे का सारा ताला टूटा हुआ था। वहीं अपने पिता पूर्व सैनिक मजहरुल हक को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही अपने घर आकर सारा सामान चेक किया। वहीं चोरों ने पूरी तरह घर में रखे सारे जेवरात सोना एवं चांदी कैश रुपए ले उड़े थे। वहीं घटना की सूचना हबीबपुर थाने को दी गई। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए हबीबपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। नाम आपका? मेरा नाम मजहरुल हक। क्या करते हैं आप? हम अभी आर्मी से रिटायर्ड होके घर बैठे और हम अपने गांव गए अकीदतपुर पंचायत के अठगामा गांव। अच्छा। और जहां पर हम पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोटिंग हमारी हो गई है, 13 तारीख को काउंटिंग है। हम काउंटिंग के इंतजार कर रहे थे। इसी के मदद के लिए हमारे सारे बच्चे परिवार सब मेरे साथ ही गाँव में रह रहे थे, तो यहाँ पर मेरा घर खाली रहता था। तो कहाँ पर घर है ये आपका? ये घर जो है जहाँ हम खड़े हैं इसको साजंगी पंचायत के गरीब नवाज कॉलोनी बोलते हैं, हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक। और क्या घटना घटी आपके साथ? घटना जब हम वहाँ अपने पैतृक गांव में रहते हैं, अभी रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे या हम किसी न किसी दिन एक दिन दो दिन गैप करके अक्सर आते हैं और दिन भर समय बिता के शाम को चले जाते थे। तो हर दिन हमारा हर चीज़ सेफ था। आज हमारे बच्चे जैसे यहाँ आए तो देखा ताला है ही नहीं मेन गेट में, तो ताला जैसे देखा नहीं तो वो घबराया और फिर अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद पूरे रूम का ताला जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वो कट करके अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद वो सामान पूरा बिखरा हुआ है, हम तो अभी पूरा चेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन गोल्ड के जो हमारे कुछ सोना और चांदी वगैरह का जो डब्बे थे वो बाहर हैं, बिखरे हुए मिले। तो मेरी बच्ची की शादी के लिए हमने काफ़ी गोल्ड इकट्ठा कर रखे थे, समथिंग 11 लाख रुपये के जी। और समथिंग 60,000 रुपये के चांदी भी था और बच्चे के पैसे। अभी बच्चों से हम पूरे परिवार से मिल भी नहीं पाए हैं। एक बच्चे का रिपोर्ट आया कि 10,000 रुपया पापा हम रखे थे, इतना अभी तक हमको आंकड़ा मिला है। जब हम पूरे सामान को सर्वेक्षण करेंगे तो हम पूरी तहकीक करके बता पाएंगे कि टोटल मेरा नुकसान कितना हुआ है। थाना में आवेदन दिया आपने? हाँ, अभी हमने थाना गए थे, थाना प्रभारी से हमने मिले और सर को सूचित किए। सर आए और चेक कर लिए हैं, कर रहे हैं, और हम अभी जा करके फाइनली उसको फुल चेक करके एक एप्लीकेशन देंगे, अपनी जो भी नुकसान हुआ है मेरा, अपनी सुरक्षा की शंका भी है क्या? नहीं, ऐसे हम किसी से हमारा कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है, हम तो यहाँ के लिए नए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अक्सर डिस्टर्ब होते हैं, ये जो बाहर मैदान खाली जगह है, इस जगह पे हम देखते क्या है कि ऐसे शराब, गांजा, धुआं, अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोग काफ़ी इकट्ठे होकर बैठते हैं, सुबह के समय भी और रात के समय भी, जिससे कि वो इतनी अपशब्द अभद्र बातें बोलते हैं यहाँ के महिलाओं को, पुरुषों को, यानी